हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह जी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में जो बयान दिया है वो अत्यंत निंदनीय है। उनका ये कहना कि 97% हिंदू आबादी वाला हिमाचल प्रदेश, उस प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है, और ये बात केवल बेंगलुरु के अंदर उन्होंने नहीं कही, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावों के बाद राष्ट्रीय स्तर की बैठक के अंदर भी उन्होंने इस प्रकार की बात कह करके हिंदू जनमानस का अपमान किया। वास्तव में कर्नाटक के अंदर यह बयान दिया जाना सीधा सीधा मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर इंगित करता है। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अंदर मुस्लिम आरक्षण का राग अलापा, उस कड़ी के अंदर ये शब्द वास्तव में ध्रुवीकरण करने के लिए और मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए दिया गया बयान है, जिसकी पूरी तरह से निंदा की जानी चाहिए। पीएफआई जैसा संगठन, प्रतिबंधित संगठन, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के अंदर संलिप्त संगठन,